मुंबई की लाइफलाइन क्या है, उनके लोकल ट्रेन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट फूड। देखिए, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग बहुत बिजी रहते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, आलस का बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए खाना भी उनका ऐसा है जो जल्दी जल्दी खाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए पाव भाजी, वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव, ये सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपने बस पाव तोड़ा, उसे डुबोया, खाया, फटाफट निपटाया और आगे बढ़े। तो हम भी आगे बढ़ते हैं, हम बनाएंगे मुंबई की एक खास डिश जो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा चर्चित है। क्या नाम है जी उसका? पाव भाजी, मुंबई स्पेशल पाव भाजी आज हम बनाएंगे। पाव भाजी बनाने के लिए हमें पाव को सेकना है जो एकदम एंड में होगा, उसकी भाजी तैयार करनी है और उसका मसाला तैयार करना है। सबसे पहले भाजी से शुरुआत करते हैं, सबसे ज़्यादा समय उसी में लगना है। अब देखिए, पाव भाजी के लिए ना गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर, ये इम्पॉर्टेंट सब्जियां हैं जो उसके अंदर जाती हैं। और क्योंकि भाजी का हमने भरता ही बनाना है, इसलिए आप इसको रफ कट कर सकते हैं। ये होगी जी गोभी, इसी तरीके से गाजर, मोटे मोटे चंक्स चलेंगे, फटाफट वाला काम है भैया, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चुकंदर डाल रहे हैं। देखिए, चुकंदर ऑप्शनल है, लेकिन इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें हम लाल रंग ना डालें। मुंबई स्टाइल पाव भाजी जो होती है उसके अंदर कई जगह लाल रंग डाल देते हैं, चुकंदर थोड़ा ही जाएगा, बहुत ज़्यादा कर देंगे तो बहुत गाढ़ा लाल रंग हो जाएगा। अब कैप्सिकम, वैसे मुंबई की जो पाव भाजी है ना उसकी खासियत है पाव भाजी का मसाला, तो ये रहा। अब ये तो मसाला तैयार करके मैंने रखा है, आपके पास रेडीमेड घर पर पैकेट वाला है बढ़िया है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉपी पेस्ट एंड यूज। एक थोड़ी शिमला मिर्च, यह भी कट गई, साथ ही में थोड़ी अदरक रफली कट, और अदरक भी इधर गई, इसी में थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च। अब हरी मिर्च जो है हमारी टीम ने जोश में आके फाइन चॉप कर दिए, साबुत डाल सकते हैं, एक से दो, जितना आपको तीखा चाहिए उतना। अब बारी है जी आलू की, पाव भाजी के अंदर ना आलू बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो स्लरी सी बनती है वो आलू की वजह से बनती है। सब्जियां तो हम चंकी रखते हैं, थोड़ी सी मैशी करते हैं, लेकिन आलू जो है वो उबल कर अपना स्टार्च छोड़कर उसको एक बहुत ही एक स्लॉपी सा मैस जैसा होता ना, बिल्कुल वैसी फील देता है। अब जी कुकर का काम, थोड़ा सा तेल मारा जाए और उसमें मक्खन, पाव भाजी के अंदर मक्खन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और एक अच्छा लबाब, लबाब कहते हैं माउथ फील, वो देती है। अगर आपको कम मक्खन खाना है कम में बना सकते हैं, लेकिन वो मुंबई स्पेशल वाला पाव भाजी खाना है तो वो जो भाजी का जो असली रस है वो मक्खन और भाजी मसाला, मतलब पाव भाजी मसाला से ही आती है, सो वो दोनों इंपॉर्टेंट है। मक्खन थोड़ा गर्म नहीं हुआ कि उसके अंदर जाएगी सब्जियाँ, सारी सब्जियाँ एक साथ डाल दीजिए। देखिए, आज जो मैं पाव भाजी बना रहा हूँ ना, ढेर सारी बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा है बड़ा स्टाफ, क्वांटिटी जितनी मैंने नीचे लिखी है उसको आप आधा कर देंगे नो प्रॉब्लम, वो भी बन जाएगी, तो मतलब जितने लोग हैं उसके हिसाब से बनाइए। इसी के अंदर थोड़ा सा नमक और ये पाव भाजी मसाला, अब मिला दो जी इसे। ये देखिए, पाव भाजी मसाला डालते ही क्या रंगत आई है इसकी, क्या बढ़िया रंग निकला इसका। इसमें जाएंगे हरे मटर, अब ताज़े मटर हैं तो बढ़िया है, फ्रोज़न है वो भी चलेंगे। 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पर इसे पकाना है ताकि मसाले थोड़े से पकें, थोड़े से जो सब्जियां हैं वो भी मक्खन को धीरे धीरे अब्जॉर्ब करना शुरू करें। इसमें अब जाएगा पानी, ये देखिए जी पानी डल गया, इसमें लगेगा ढक्कन, अब 3 सीटी तक इसे पकाना है। आइडिया हमारा ये है कि जो सब्जी है वो बिल्कुल ओवरकुक हो जाए, जी हाँ, और उसके बाद जो पानी बचेगा उसको हम सुखा देंगे। आ गई तीसरी सीटी, वाह जी वाह, आज तो स्टीम वाला फेशियल हो गया, गैस बंद। ये देखिए जी सब्जियाँ लग रहा है कि जी साबुत हैं, बिल्कुल भी नहीं, जैसे ही आप इसको चम्मच या फूक लगाएंगे ये बिल्कुल मैशी हो जाएंगे। अब क्या करना है, जितना पानी है उसको टोटली सुखाना है, तो इसको इधर चढ़ा देते हैं, जब तक इसका पानी सूख रहा है हम बनाएंगे हमारी मुंबई स्पेशल पाव भाजी का मसाला। अब बेसिकली ये जो मसाला है ये भाजी के अंदर जान फूकेगा। अब कैसे फूकेगा जान, जान फूकने के लिए जान चाहिए, ये जान के लिए जी मक्खन, बिल्कुल नहीं घबराना, पाव भाजी में दिखता नहीं ना, जब बाज़ार में खाते बनाते तो पता चलता है कितना जाता है। ये जी थोड़ा सा ऑयल के बटर जले ना, सबसे पहले जी प्याज, अब प्याज को ना इसमें डालकर भूनना है, ब्राउन नहीं करना,
अब आप ये सोचिए, जब वो मुंबई स्पेशल जो पाव भाजी है वो जब बनाता है तो इतना बड़ा तवा होता है उसके पास, उसके अंदर क्या करता है, ये भाजी मैश करी हुई तैयार रखी उसने, उसके अंदर तवे के ऊपर मक्खन गरम किया, प्याज डाला, मसाले डाले, भाजी डाली, मक्खन डाला, मिलाकर पाव सेक कर दे दिया। अब वही हिसाब किताब हम एक पैन में करते हैं, दैट्स ऑल। साथ के साथ इसे भी हिलाते जाइए और देखिए किस तरीके से पानी सूख रहा है, सब्जी खुद ब खुद मैश हो रही है। प्याज ये हमारा पिंक हो गया जी, पिंक, ना ब्राउन ना कच्चा, पिंक। अब इस पिंक प्याज के अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी अदरक और लहसुन की पेस्ट, और अगर आप अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते इन तीनों को आप स्किप करके स्ट्रेट इसके बाद जो टमाटर जाएंगे उसको डाल सकते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन भी थोड़ा सा सुर्ख हो गया। अब इसके अंदर मामूली सी हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरी मिर्च ऑप्शनल है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पीबी मसाला, पाव भाजी मसाला, साथ ही हमारा हमराही नमक, इसे एक क्विक स्टर देना ताकि मसाले खिल जाएं, रंगत अपनी इसमें छोड़ दें। अब इसमें जाएगा टमाटर और साथ में टमाटर की प्यूरी। अब इसके अंदर आप ताज़े टमाटर की प्यूरी डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए, बनी बनाई रेडीमेड वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर इसमें आ गया है, गैस को करेंगे तेज़ और अब टमाटर की भुनाई होगी। जब तक टमाटर पक रहे, मैं आपको बताऊं कि पाव भाजी जो है वो शुरुआत कैसे हुई। एक समय था जब मुंबई में ना मिलों में लोग काम करते थे, तो वर्कर क्लास बहुत ज़्यादा थी। अब उनको चाहिए था कुछ सस्ता, क्विक एंड टेस्टी, और पाव का चलन बॉम्बे में काफ़ी ज़माने से था। अब नॉर्मली लंच में लेके जाते हैं सब्जी और रोटी, तो कोई अकलमंद होगा जिसने सब्जी को भी पीस दिया कि भाई खाने का समय नहीं होता, इनको जल्दी जल्दी चाहिए, तो पाव तो है ही तैयार पड़ी है मेरे पास, भाजी बनाई उसके अंदर उन्होंने डाली, पाव ने भाजी को सोख कर लिया, खाया और निकल गए, और कस्टमर भी फिर फटाफट वो निपटा रहे थे, तो बिजनेस भी अच्छा हो रहा था उनका, और वहीं से ये पाव भाजी एक पॉपुलर स्ट्रीट फूड बन गई। अच्छा, इस मसाले में भी थोड़ी सी कैप्सिकम जाएगी, मिक्स इट इन। अब देखते हैं जी भाजी का क्या हाल है, पानी तो सूख गया है और देखिए खुद ब खुद ये गाढ़ी हो गई है। अभी भी आलू और सब्जियों के चंक है जिसे अब हम मैश करेंगे। देखिए जी, पोटैटो मैशर की मदद से इसे हल्के हाथ से यूं पीस देना, बिल्कुल मेहनत नहीं लगनी, ज़रा सा पुश करेंगे ये अपने आप घुल मिल जाएगी। परफेक्ट जी, ये देखिए सब्जी तैयार, और बेस्ट पार्ट है इसका खुद ब खुद रंग लाल हो रहा है चकुंदर की वजह से। मसाला इतना पक गया कि उसका ऑयल या जो मक्खन है वो बाहर की सतह पर आ गया है। ये परफेक्ट टाइम है भाजी को मसाले में डालने के लिए। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, इसमें जाएगी कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया। चलिए जी इसे मिला लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, पानी नहीं डालना, वो जल्दी नहीं करनी, इसे अब पकाना है। जितना अब हम भूनेंगे वो उतना बढ़िया फ्लेवर्स निकल कर आएंगे, और वो जो मक्खन डाला है वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा, ऊपर की सतह पे नहीं आएगा, वो लबाव नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए जिस तरीके से अभी ये लावा निकल रहा ना स्टीम का, बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए। जब आप पैन हिलाते हैं कैसे ये तैर रही है पूरे पैन के अंदर, थैंक्स टू द बटर। ये देखिए ये भुनी हुई भाजी तैयार, लेकिन पाव भाजी थोड़ी सी दूर है क्योंकि ये मेरी पूरी टीम के लिए बना है, पैन छोटा पड़ जाएगा, इसलिए अलग से एक पैन के अंदर इसे मैं तैयार करता हूँ। उसमें थोड़ी सी भाजी, थोड़ा सा पानी, परफेक्ट, मिक्स इट अप। जो भाजी होती है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, पोरिंग मतलब आप लेडल से उसे पोर करते तो गिरे, लेकिन थिक होनी चाहिए। अब क्योंकि इसके अंदर हमने पानी डाला है तो नमक मिर्च थोड़ा सा आप करेक्ट कर सकते हैं। इसमें जाएगा ताज़ा कटा हुआ धनिया, और हाँ एक ऐसी चीज़ है जो कई लोग डालते हैं लेकिन बताते नहीं, वो है थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू या अमचूर भी डाल सकते हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा मक्खन, मक्खन बहुत ज़रूरी है, थोड़ी हरी मिर्च इफ़ यू वांट इट। वाह क्या खुशबू आई है, ब्यूटीफुल नमक मिर्च सेट इसका, क्या बढ़िया रंग आया इसका। भाजी तैयार, पाव की तरफ चलते हैं। अब देखिए पाव को बीच में से काटना है, तवा गर्म है, तवे पे जाएगा मक्खन, मक्खन को थोड़ा सा यूं पिघला लीजिए। इसी के अंदर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा धनिया। ये जो पाव भाजी बनी है ना इसके ऊपर की जो ये सतह से इसकी जो क्रीम निकाली हमने उसको निकाल कर
हल्का सा गरम किया और हमारे पाव सीधा इसके ऊपर। ये बन गए जी मसाले वाले पुलाव। पुलाव नहीं पाव, ये बन गए मसाले वाले पाव। आप चाहें तो सादे पाव सिर्फ मक्खन लगा के भी सेक सकते हैं, लेकिन इस पाव की बात ही कुछ और है। थोड़ा मक्खन महाराज जी ऊपर भी आ जाएगा ताकि पाव भी थोड़ी शाइनी हो जाए। पाव भी हमारी तैयार। तो जी पाव भाजी डन तैयार है, इसे अब हम सर्व करेंगे।